So hello and what is up guys, welcome back to another video. इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे तीन इंटरडे स्टॉक्स जो कल आप ट्रेड कर सकते हैं. तो जैसे कि आज हम लोगों ने देखा निफ्टी काफ़ी हैवी गैप डाउन के बाद उसके भी नीचे आया. पहले कुछ घंटों में ट्राइड टू रिकवर पर रिकवर हो नहीं पाया. इट इज़ बेसिकली ड्यू टू द US मार्केट्स. अब हम लोग सब कुछ US मार्केट्स के वजह से रिएक्ट करेंगे तो ऐसे ही होगा. बिकॉज ऑफ द डाउ नैसडैक एज वी ऑल नो दैट बॉन्ड यील्ड्स आर हायर एट द लाइफ टाइम हाई ऑफ द US मार्केट्स. सो US मार्केट्स अभी लाइफ टाइम हाई पे है पर स्टिल द बॉन्ड यील्ड्स आर वेरी हायर. तो ये एक संकेत देता है कि हम लोग थोड़े हल्के होंगे लाइफ टाइम हाई से. प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी. सो दिस ऑल आर द मिक्स रिएक्शंस. द इकोनॉमी इज रिकवरिंग वेरी स्लो. कंज्यूमर सेंटिमेंट्स भी बहुत लो है इस मार्केट में. और अगर आप रसल 2000 इंडेक्स देखें तो वहाँ पे भी लगातार बिकवाली हावी है कुछ दिन से. सो ये ऑल मिक्स्ड फैक्टर है. प्लस CPI इन्फ्लेशन इट इज़ ऑल्सो हायर देन एक्सपेक्टेड. सो ये मिले जुले जो एक इमोशंस है दिस ऑल आर बिकॉज ऑफ दिस ऑल मार्केट्स आर रिएक्टिंग. लाइक मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है ये कारण के वजह से ही मार्केट रिएक्ट कर रहा है. और जिसके वजह से आज ये गैप डाउन हुआ, यहाँ पे एक मेजर हेवी डाउनफॉल हुआ. एक ह्यूज गैप अप के बाद निफ्टी ट्राई टू रीगेन लेकिन फिर करेक्शन आ जाता है 15,820 से. और अगर आप देखिए तो देखिए यहाँ पर लगातार नीचे ही गिरता गया. सो दिस इज़ द फॉलो अप सेलिंग आफ्टर फ्राइडे सेशन. बट आई बिलीव ऑन द लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज पॉजिटिव बिकॉज निफ्टी क्रिएटेड न्यू लाइफ टाइम हाई लास्ट फ्राइडे. सो ये सब मिले जुले संकेत है जो बाजार में थोड़ी सी करेक्शन आ रही है. एंड गेट रेडी फॉर 1-2% करेक्शन इन द नेक्स्ट अपकमिंग ट्रेडिंग सेशंस दिस वीक. एंड बाकी कोई यूफोरिया वैसे है नहीं. नो सच यूफोरिया रिगार्डिंग लाइक वी आर एट द लाइफ टाइम हाई एंड फिर भी लोग बुलिश है. सो दिस इज वन पॉजिटिव ट्रेंड दैट वी शुड टेक विद अस. बट फिलहाल के लिए आई थिंक इस वीक में 1-2% का करेक्शन और आ सकता है. सो माई सजेशन वुड बी प्लीज हेज योर पोजिशन एज मच एज यू कैन. आप एक 15,700 का पुट खरीद सकते हैं और 16,000 का कॉल बेच सकते हैं. फॉर नाउ दिस विल बी द सेफेस्ट ट्रेड एज ऑफ नाउ बिकॉज मार्केट्स आर वेरी वॉलेटाइल एंड द कैपिटल शुड बी सेफ. सो दिस इज वॉट आई फील. अपने पोजीशंस ऑलवेज हेज करके चलिए. तो आइए अब आते हैं ऐसे तीन इंटरडे स्टॉक्स जिसके ऊपर हम लोग अभी बात करने वाले हैं. कौन से ऐसे लेवल्स होंगे और आपको एग्जैक्टली क्या स्ट्रेटजी यूज करनी है ताकि आप कल प्रॉफिट बुक कर सको. लेट्स स्टार्ट. सो मेरा पहला पिक रहेगा बर्जर पेंट का. इफ यू सी बर्जर पेंट्स ये लगातार बुलिश मोमेंटम में ही है. एक बुलिश पेन एंड पैटर्न से इसने लास्ट वीक को ब्रेकआउट दिया था. उसके बाद ये कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड ही अपना रहा था. एंड द ट्रेंड्स आर ऑल्सो बुलिश. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द मार्केट दिस स्टॉक ऑल्सो रिएक्टेड. आई फील दैट बर्जर पेंट्स विल बी द मोस्ट आउट परफॉर्मिंग स्टॉक ऑफ दिस वीक. आराम से इसको इंटरडे आप कर सकते हैं. आपको क्या करना है बर्जर पेंट्स मैं आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट मैं दोनों बताऊंगा ताकि आप इसमें बाइंग और सेलिंग दोनों कर सको. सो फर्स्ट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा इसमें. फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइंग लेवल से. सो आप बर्जर पेंट्स को बाई कर सकते हो 840 पे. 840 बाई बर्जर पेंट्स विद द स्टॉप लॉस ऑफ लास्ट कैंडल्स लो जो कि है 834. 834 का स्टॉप लॉस से आप बर्जर पेंट्स को बाई कर सकते हैं. एंड द टारगेट माई फर्स्ट टारगेट वुड बी 846. दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ फर्स्ट रेजिस्टेंस. द सेकेंड रेजिस्टेंस वुड बी 852 एंड द फुल एंड फाइनल टारगेट विल बी 860 जो कि इसका लाइफ टाइम हाई होगा.
अगर 860 टच करता है तो ये बर्जर प्रिंट्स पूरा पागल घोड़ा हो जाएगा. दिस विल आउट परफॉर्म द मार्केट्स. सो आपको ये ध्यान में रखना है. आप एट, मैं लेवल्स फिर से रिपीट कर देता हूँ, 834.50 टू बी प्रिसाइज. आप 834 पे रख सकते हो स्टॉप लॉस. लास्ट कैंडल्स लो, लास्ट डेज कैंडल्स मतलब आज का जो कैंडल है इसका लो 834 पे. 840 पे एंटर कर जाइए आप एंड वेट फॉर द फर्स्ट टारगेट दैट इज 846. 852 सेकेंड टारगेट एंड फुल एंड फाइनल टारगेट इज 860. ये तीनों टारगेट के लिए आपको बर्जर प्रिंट में बाई करके चलना है. अब सेलिंग की तो यहाँ पे खास कुछ सेलिंग का मुझे लेवल्स दिख नहीं रहा है, पर अगर मार्केट्स डाउन ट्रेंड गैप डाउन ओपन हुआ तो इसमें सेलिंग के भी मौके बनेंगे. सो माय सेलिंग लेवल वुड बी टुडेज लो दैट इज 830. यू कैन सेल बर्जर प्रिंट्स एट 830 एंड आपको इस पर स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड इसमें 2:1 का ही बन रहा है. 2:1 आपको 2% का रिस्क लेना है और 1% आपको प्रॉफिट मिलेगा इन सेलिंग लेवल्स. सो आपको यहाँ पे इसको सेल करना है 830 पे. द स्टॉप लॉस विल बी 838 दैट इज टुडेज कैंडल्स हाई, लास्ट कैंडल्स हाई दैट इज 838 का स्टॉप लॉस. 830 पे आप सेल कीजिए बर्जर प्रिंट्स को. अगर ये 830 को ब्रेक करता है देन दिस विल गो स्ट्रेट टू 818 बिकॉज 818 ही इसका मेजर ब्रेकआउट लेवल था जहाँ से ये ऊपर आया था. सो दिस विल फॉल डाउन टिल 818 एंड उसके नीचे आता है तो फुल एंड उसके अगर नीचे आता है तो द फुल एंड फाइनल टारगेट विल बी 808.85. सो 808 का फुल एंड फाइनल टारगेट मान के चलिए. तो ये हो गया पहला स्टॉक. सो आवर सेकेंड इंटरडे स्टॉक विल बी फ्रॉम द मेटल सेक्टर. और हम लोग मेटल सेक्टर की बात कर रहे हैं सो हाउ कैन वी फॉरगेट दिस दिग्गज टाटा स्टील. टाटा स्टील इज द आउट परफॉर्मर स्टॉक ऑफ दिस ईयर आई बिलीव बिकॉज जैसे इसने 600 के लेवल से डबल हो चुका है ऑलमोस्ट. आज इसने 1290 का लेवल जैसे टच किया. सो आई बिलीव टाटा स्टील इज गोइंग टू बी द स्टॉक ऑफ द ईयर अलॉन्ग विथ सन फार्मा. सो आई एम वेरी बुलिश ऑन टाटा स्टील एंड सन फार्मा बिकॉज इफ यू कैन क्लियरली नोटिस, आप लोग जितने भी लोग मार्केट में डेली एक्टिव हो, टाटा स्टील इज द वन स्टॉक दैट इज कंटिन्यूअसली ब्रेकिंग इट्स हायर हाइज. ये हायर हाइज के ऊपर हर रोज निकल रहा है. इफ यू कैन सी दिस, इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड में इसका बुलिश पैटर्न. आज भी मार्केट बहुत ह्यूज गैप डाउन हुआ फिर भी इफ यू कैन चेक द चार्ट्स, इसने आज भी अपना लाइफ टाइम हाई टच किया. पिछले दिन का लाइफ टाइम हाई इसने ब्रेक किया और आज भी इसने लाइफ टाइम हाई को इसने टच किया. तो टाटा स्टील में देर इज अ वेरी वाइज एंड स्ट्रेटेजिक एंट्री पॉइंट. एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक एंट्री पॉइंट होगा टाटा स्टील में. एक्चुअली ये मेटल सेक्टर मॉर्निंग में फॉलो अप सेलिंग आती है फिर वहां से वो घूम जाता है. तो यू हैव टू बाई दिस ऑन डिप्स. डिप्स पे आपको इसको बाई करना है एंड वेट फॉर इट टू क्लाइम. अगर कल मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होता है तो ये यहाँ पे कहीं खुलेगा 1272 या 73 पे कहीं खुलना चाहिए अपना पीविट पॉइंट पे. एंड एज वी ऑल नो पीविट पॉइंट से कुछ भी सेलिंग वो घूम जाता है. सो आई बिलीव कल अगर इसके यहाँ पे भी खुलता है और इसके नीचे आके भी ये लेवल ये क्रॉस करता है, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ. इफ इट्स ओपन्स हियर ठीक है, और अगर ये इसके नीचे भी आता है सपोर्ट पे लाइक 63 पे अगर ये आता है, कल 63 पे अगर ये आ रहा है तो दिस विल बी योर एंट्री पॉइंट. आपको यहीं पे एंट्री ले लेनी है. 63 से एंट्री करेंगे आप लोग एंड वेट फॉर द टारगेट ऑफ 95. दैट विल बी द फर्स्ट टारगेट फॉर टाटा स्टील बिकॉज एज वी ऑल नो, आप लोग जितने भी लोग मार्केट्स में एक्टिव हो आपको सबको पता होगी
टाटा स्टील, बेसिकली स्टील सेक्टर में, टाटा स्टील में एक बुलिश पैटर्न ये चालू है। डेली इसका प्रीवियस डे का स्विंग हाई ये ब्रेक कर रहा है, तो हो सके अगर यहाँ पे कहीं ओपन हो आप यहाँ पे भी ले सकते टाटा स्टील को, बिकॉज योर फर्स्ट टारगेट विल बी 1295। सो आपको टाटा स्टील बाई करना है 1270 से 1264 के रेंज पे, 6 रुपये के रेंज पे आपको देख के बाई करना है। और ये थोड़ा आप देख लीजिएगा, अगर दिस इज अगर स्टार्टिंग में मार्केट खुलते ही इफ दिस इज शोइंग अ वेरी बियरिश पैटर्न, डोंट बिलीव इन दैट पैटर्न, बिकॉज अल्टीमेटली स्टील सेक्टर इज ऑन द बुलिश ट्रेंड, सो डोंट फॉल प्रे फॉर द बियर्स। बियर्स इसमें है नहीं, ये पूरे तरीके से ही ये बुल्स के फेवर में है, दिस इज अंडर बुल्स कंट्रोल। सो व्हाट आई बिलीव, यहाँ पे आप लोग इस रेंज को फॉलो कीजिएगा, दिस इज अ रेंज फ्रॉम 1272 टिल 1264, सो ये 6-8 रुपये का रेंज आपको फॉलो करना है। इफ इट कम्स डाउन टिल हियर टू टेक सपोर्ट, दिस विल बी द S1, और मार्केट अगर इससे भी खराब हुआ तो दिस माइट कम डाउन इवन मोर, तो आपको ट्रेंड इसमें आपको ट्रेड अवॉइड करना है फिर। सो फर्स्ट यू हैव टू लुक आफ्टर दिस लेवल, एंड अगर यहाँ पे आपने एंट्री ले लिया, अगर आपने मान लीजिए 72 पे भी एंट्री लिया, तो आपका रिस्क टू रिवर्ड होगा ऑलमोस्ट 2:1 का, 2% का आपको रिवर्ड होगा और रिस्क आपको होगा इस कैंडल का लो, दैट इज सॉरी ये कैंडल का लो 53 का लो, 1253 का लो, जहां तक तो नहीं आना चाहिए पर फिर भी सपोर्ट लेने आ सकता है। सो दिस विल बी योर स्टॉप लॉस एंड दिस विल बी योर एंट्री लेवल, ये रेंज में आपको 64 से लेके 70 के अंदर इस पे एंट्री ले लेनी है, तो आपका रिस्क हो रहा है 1% का, आपको रिवर्ड मिलेगा 2%, सो 2:1 का आपको रिस्क रिवर्ड बैठ रहा है। तो चलिए बात करते हैं थर्ड इंटरडे स्टॉक की, दैट इज सन फार्मा। सो एज आई ऑलरेडी सेड, आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक, सन फार्मा इज गोइंग टू बी द आउट परफॉर्मर द स्टार स्टॉक ऑफ 2021। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज फार्मा सेक्टर इज वेरी बुलिश, इट इज कंटिन्यूसली ऑन बुलिश पैटर्न, एज आई कैन सी ये बुलिश ट्रेंड में बना हुआ है। तो सन फार्मा आपको कल इसको आपको बाई करनी है स्पॉट लेवल्स पे, ये खुलेगा अगर यहाँ से 70-80 पैसा ऊपर बाई करना है, दैट इज अराउंड 690 के अराउंड आपको इसको बाई करना है विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 682, जो आपका रिस्क होगा 1% का आपको रिस्क होगा, और इसमें रिवॉर्ड आपको आसानी से इसमें 701, 702 एंड फुल एंड फाइनल टारगेट विल बी 708। अगर ये 708 के ऊपर निकलता है तो दिस इज गोइंग टू बी द स्टार स्टॉक ऑफ टुमारो, ये कल निफ्टी के टॉप गेनर्स में रहेगा, बिकॉज इसके ऊपर इसका सुपर बुलिश ट्रेंड फॉलो अप बाइंग आ जाएगा इसमें। सो दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड इंटरडे स्टॉक, एंड बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स की, बिकॉज हर रोज मैं आपको ऐसे 3 इंटरडे स्टॉक्स में बताऊंगा, और अभी क्योंकि मार्केट में पोजिशनल पैसा बन रहा है अच्छा, तो आपको मैं 2 ऐसा पोजिशनल स्टॉक्स भी बताऊंगा। सो माय फर्स्ट पिक विल बी हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प को एक्यूमुलेट कीजिए एट द रेंज ऑफ 2885 से 2560 के अंदर आप इसको एक्यूमुलेट कीजिए, एंड 15 से 20 दिन का पोजिशनल आपको इसमें रखना पड़ेगा। सो आफ्टर 15-20 डेज आई बिलीव दिस स्टॉक इज गोइंग टू आउट परफॉर्म जस्ट बिकॉज ऑफ द 3 फैक्ट्स। आपको मैं 3 ऐसे लॉजिक बताऊंगा जिसके कारण हीरो मोटोकॉर्प विल बी द स्टार परफॉर्मर ऑफ दिस मंथ। सो दीज 3 रीजंस आर गुड रेनफॉल, पहला तो इतनी अच्छी बारिश हो रही है इंडिया में, सेकेंड इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी लो कंपेयर टू एनी अदर ईयर, इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही लो है इस साल के, एंड बोरोइंग इज पिकिंग अप।
सो कंज्यूमर बोरोइंग, जैसे व्हीकल्स लोग खरीद रहे हैं ईएमआई पे, लोन पे, सो दिस बोरोइंग इज पिकिंग अप एंड इंटरेस्ट रेट्स आर ऑल्सो लो. सो आई थिंक दिस विल ट्रिगर हीरो मोटोकॉर्प एंड हीरो मोटोकॉर्प विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी फॉर ऑल दिस लॉजिक्स. मतलब मैं ऐसे आपको कोई भी स्टॉक उठा के नहीं दे देता, आपको प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस करके ही स्टॉक मिलता है. तो यहाँ पे आप हीरो मोटोकॉर्प को 2860 से 2880 के लेवल्स में बाय कीजिए. एक्युमुलेट हीरो मोटोकॉर्प एट 2860 टू 2880 और आपको 15 से 20 दिन का पोजीशन रहेगा इसमें. माय फर्स्ट टारगेट विल बी 2926, सेकेंड टारगेट विल बी 2960 एंड फुल एंड फाइनल टारगेट विल बी 3020. सो ये तीनों टारगेट के लिए आपको हीरो मोटोकॉर्प को बाय करना है फॉर पोजिशनल्स 15 टू 20 डेज. एंड इसी सेक्टर से मेरा एक और पिक होगा, सॉरी नॉट द सेक्टर बट बिकॉज ऑफ द रेनफॉल देर इज अनादर स्टॉक विच आई एम वेरी बुलिश ऑन. द नेम ऑफ द स्टॉक इज UPL. आपको UPL बाई करके चलना है. एज वी ऑल नो UPL इज अ फर्टिलाइजर स्टॉक एंड nowadays because of the rainfall, fertilizer stocks will be the biggest beneficiaries because of the good rainfall. So UPL आपको बाई करके चलना है with the strict stop loss of 800. आपको UPL में एंट्री लेनी है 820-825 के अराउंड. सो आपको 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आपको लग जाएगा इसमें. 800 का स्टॉप लॉस विद द बाइंग जोन ऑफ 820-825 एंड योर फर्स्ट टारगेट विल बी 870, सेकेंड टारगेट विल बी 900 एंड फुल एंड फाइनल टारगेट विल बी 950. ये आपका होगा 2-3 महीने के लिए UPL. सो ये था आज का हम लोगों का 2 इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स एंड 3 ऐसे इंटरडे स्टॉक्स जो कल आप ट्रेड कर सकते हो. बाकी के लेवल्स के लिए यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सो आप वहां से हम लोगों का चैलेंज तो आप वहां से हम लोगों का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. सो आज के लिए गाइज इतना ही. फोकस ऑन द लेवल्स एंड मार्केट में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से काम कीजिए बिकॉज मार्केट रेस्पेक्ट्स डिसिप्लिन एंड आप भी डिसिप्लिन को रेस्पेक्ट कीजिए, फिर मार्केट में पैसा बनेगा. नहीं तो आपको आपका कैपिटल आपको देना पड़ जाएगा मार्केट को. सो माय टॉप टिप्स विल बी सेव योर कैपिटल, मेंटेन डिसिप्लिन बिकॉज मार्केट इज रेस्पेक्टिंग द डिसिप्लिन्स. एंड थर्ड, आपको सपोर्ट पे बाई करना है, रेजिस्टेंस पे आपको सेल करना है. ये आपको ध्यान में रखना है. सपोर्ट पे देखिए, यहाँ पे आज निफ्टी सपोर्ट 5 के आसपास आ गया था ऑलमोस्ट. अगर कोई भी नोविस, कोई भी नूब ट्रेडर होता वो यहाँ पे उसको शॉर्ट कर देता निफ्टी को. पर क्या होता वो अगर यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रखता, वो अगर यहाँ पे रखता उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता. सो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग, आपको एंट्री लेनी है सपोर्ट पे व्हेन यू आर बाइंग एंड आपको सेल करना है रेजिस्टेंस पे. रेजिस्टेंस पे आपको सेल करना है. रेजिस्टेंस इज द परफेक्ट सेलिंग जोन. रेजिस्टेंस 1, R1, R2, R3, R4, R5 एंड सपोर्ट में आपको बाय करना है. बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन राइज. दिस टू आर द प्रॉपर टेक्निक्स दैट टू बी फॉलोड. पता है ये फॉलो नहीं होता हम लोगों से, कभी कभी मार्केट हम लोगों के साइकोलॉजी से खेल जाती है, बट डोंट फॉल प्रे फॉर इट. आई थिंक दिस इज द बिग टाइम टू इन्वेस्ट. आई थिंक दिस इज द टाइम टू पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज. So invest wisely and happy trading. Thank you. Thanks for watching guys. अगर आपको अच्छा लगे तो आप share कर देना video को और please हमारे channel को subscribe कर देना for more updates on Bitcoin,
cryptocurrency and Indian stock markets and all the financial news that you need for your stock trading and investments. Thank you so much. आज के लिए इतना ही. आपसे दोबारा मिलते हैं कल के वीडियो में.